दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता हैं जो जितनी जल्दी सफल हुए उतनी ही जल्दी वे डूब भी गए। जो अभिनेता एक जमाने में बॉलीवुड के बादशाह हुआ करते थे, आज वही कलाकार बॉलीवुड के गुमनाम पन्नों में शामिल है। कुछ कलाकार तो इतनी जल्दी सफल हुए थे, कई लोग मानने लगे थे कि आगे चलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका ही वर्चस्व देखने को मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश कई अभिनेता आज बॉलीवुड से बिल्कुल दूर है। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के कुछ फ्लॉप एक्टर्स की वाइफ से रूबरू कराने वाले हैं। तो कौन से है वे एक्टर और कौन सी उनकी वाइफ, आइए जानते हैं। राहुल राय, फिल्म आशिकी के हीरो राहुल राय को कौन भूल सकता है। इस फिल्म के बाद इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली थी। राहुल राय का जन्म 9 फरवरी 1968 को हुआ था। इन्होंने सपने साजन के जैसी फिल्मों में काम किया है, वहीं ये बिग बॉस सीजन 1 के विनर भी रह चुके हैं। ये एक जमाने में जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे, पर कुछ वजह से आज बॉलीवुड में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। इन्होंने राज लक्ष्मी राय से साल 2000 में शादी की है। राजलक्ष्मी का जन्म 14 अक्टूबर 1967 को हुआ था। राजलक्ष्मी एक मॉडल है जिन्हें फिल्म अशोका में भी देखा गया है, पर किसी कारणवश साल 2014 में इन दोनों का तलाक हो चुका है। इमरान खान, बॉलीवुड एक्टर इमरान खान आज बॉलीवुड के गुमनाम पन्नों में शामिल है। ये भारतीय फिल्म के अभिनेता हैं जिन्होंने 2008 में अपने करियर की शुरुआत की थी, पर इसके बाद इनकी दो फिल्में लगातार फ्लॉप रही। बैक टू बैक फिल्में करने के बावजूद इन्हें वो सफलता नहीं मिली और ये कोई भी ऐसी फिल्म नहीं कर पाए जो लोगों को लंबे समय तक याद रहे। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अवंतिका मलिक से शादी की है। पर बात करें इन दोनों की लव लाइफ की, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। पहले ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त, धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और लगभग 10 साल डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। और आज इमरान खान की एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम इमारा मलिक खान है। फरदीन खान, फरदीन खान बॉलीवुड के जाने माने खलनायक फिरोज खान के बेटे हैं। फरदीन खान एक भारतीय फिल्म के अभिनेता हैं जिन्होंने प्रेम अग्नि, ओम जय जगदीश, नो एंट्री जैसी फिल्मों में काम किया है। एक समय पर ये बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हुआ करते थे, पर कुछ सालों से ही ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर है। बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम नताशा माधवानी है जो इनकी बचपन की दोस्त हुआ करती थी। आपको बता दें कि नताशा माधवानी अभिनेत्री मुमताज की बेटी हैं। इन्होंने 2005 में फरदीन खान से शादी की थी। नताशा एक मॉडल हैं जो कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती हुई नजर आ चुकी हैं। रौनित रॉय, छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे का जाना माना नाम रौनित रॉय को भला कौन नहीं जानता होगा। इन्होंने छोटे पर्दे के कई शोज में काम किया है जिनमें बंदिनी, कसौटी जिंदगी की, इतना ना करो मुझसे प्यार जैसे सीरियलों में काम किया है। वहीं ये बड़े पर्दे पर भी अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इन्हें फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में भी देखा गया था। ये एक समय पर जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। इनकी एक्टिंग की कई लोग सराहना भी कर चुके हैं। वहीं बात करें इनकी पत्नी की, तो इन्होंने 25 दिसंबर 2003 को नीलम राय से शादी की है। नीलम एक मॉडल हैं जो कई ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए हैं जिनमें दो बेटी और एक बेटा है। अविनाश वाधवान, अविनाश वाधवान भारतीय फिल्म के अभिनेता हैं जिनका जन्म 2 नवंबर 1968 को हुआ था। इन्होंने जुनून और गीत जैसी फिल्मों में काम किया है। बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी कई सीरियलों में नजर आए हैं जिनमें कलर्स टीवी का शो बालिका वधू शामिल है। अविनाश वाधवान एक समय पर जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम नताशा वाधवान है जिनसे इन्होंने साल 2003 में शादी की है। इस शादी से इन्हें एक बेटा है जिसका नाम सम्राट है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस अभिनेता की पत्नी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी है ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।